दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज सोचा मैंने कि गर्मी की प्रोग्रेस फिर बता देता हूं आपको, क्योंकि ब्रीड अगर बंद कर देंगे तो फिर प्रोग्रेस दिखाने का मौका नहीं मिलेगा 2 महीने तक। तो आज प्रोग्रेस आपको बताता हूँ और चलते हैं कॉलोनी के अंदर और देखते हैं कि मटकियों में क्या हो रहा है और बच्चे कैसे हैं, उनकी कंडीशन कैसी है। और गर्मी तो खूब हो रही है दोस्तों, गर्मी हो रही है, 43 डिग्री के करीब टेम्परेचर हो रहा है। तो चलते हैं कॉलोनी में। दोस्तों अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और आप देखिए, मेरे परिंदों को देखिए, बर्ड्स को देखिए, बजीज को देखिए। बजीज काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह से, कोई भी नहीं मरा है अभी तक, गर्मी से कोई नहीं मरा है। इत्तेफाक से कभी कोई मर गया वो बात अलग होती है, लेकिन गर्मी से कोई भी बजी मेरा नहीं मरा और ना कोई बीमार हुआ है। तो माशाल्लाह सब ठीक हैं, अच्छे हैं। और गर्मी की हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो गर्मी 42-43 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। आज तो कम है क्योंकि थोड़े से बादल वगैरह हो रहे हैं और हल्की सी कभी कभी पानी की बौछारें भी आ जाती हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि मटकियों में क्या हो रहा है। आपने ऊपर के बर्ड्स तो मेरे देखे, अब मटकियों में देखते हैं। और शुरुआत करते हैं इस मटकी से, तो अब ढक्कन हटाने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ढक्कन ही नहीं है, ढक्कन मैंने पहले ही हटा दिए हैं दोस्तों। और गर्मी में ढक्कन हटा देना सबसे ज़रूरी होता है, सबसे पहला काम है। अगर आपके यहाँ अभी भी ब्रीड हो रही है तो ढक्कन ज़रूर हटा दें, और एकदम ना हटाएं तो जैसे कि मैंने करा था कि आधे हटा दिए, फिर कुछ दिन के बाद पूरे हटा दिए। तो देखिए आप, 2 बच्चे हैं इसमें और दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे हैं माशाल्लाह, देखिए आप। ये देखिए दोनों बच्चे, अब दूसरी मटकी में देखते हैं, नीचे वाली मटकी में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 बच्चे हैं और ये तीनों बच्चे भी देखिए ठीक हैं, और 2 सफ़ेद हैं और 1 पीले कलर का है, येलो है। और आप भी इस मटकी में देखते हैं, इसके बाजू वाली में, तो देखिए दोस्तों इसमें 2 बच्चे हैं और इसमें भी दोनों बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, देखिए आप, ठीक हैं दोनों बच्चे। और अब फिर आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो ये देखिए आप, इसमें 3 बच्चे हैं और ये तीनों बच्चे भी ठीक हैं, और रेड आई है ये जो मादा है। और अब देखिए दोस्तों इसके बाजू वाली मटकी में देखते हैं, तो देखिए आप, इसके भी 3 बच्चे हैं और इसके तीनों बच्चे अच्छे हैं इसके भी, और मादा भी बैठी हुई है। और अब देखिए दोस्तों इसमें 1 ही बच्चा बचा है, ये देखिए 1 ही बच्चा बचा है और बाकी बच्चे बाहर निकल चुके हैं इसके, तो ये बच्चा भी ठीक ही दिख रहा है देखिए। तो देखिए इसके ऊपर वाली मटकी, जो ऊपर वाली लाइन है उसमें देख रहे हैं अब हम, तो इसमें देखिए इसमें भी 3 या 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 4 हैं इसमें दोस्तों, क्योंकि मेरा हाथ तो जा रहा है लेकिन मुझे ऊपर से नहीं दिख रहा, लेकिन 4 बच्चे हैं मैं छेद में से देख पा रहा हूँ। तो ये 4 बच्चे भी देखिए कि काफ़ी अच्छे हैं और इनकी मटकी भी अच्छी है, मटकी अच्छी यानी कि मादा ने खुद ही मटकी को साफ कर रखा है बिल्कुल। कुछ कुछ मादाएं जो होती हैं मटकी को साफ कर लेती हैं और अच्छे से रखती हैं बच्चों को। और दोस्तों आप नीचे वाली मटकी में देखिए, इसमें भी 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे अच्छे हैं इसमें, ये देखिए ये 2 बच्चे हैं इसमें, और इसके बाजू वाली मटकी में भी बच्चे हैं, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको।
तो ये देखिए इसमें भी दो बच्चे हैं और बाकी शायद एक और था तो वो बाहर निकल गया है, एक या दो थे वो बाहर निकल गए। और ये देखिए पूरे बच्चे हैं अच्छे खासे, ये अब ये भी बाहर निकलने ही वाले हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ये। तो देखिए इसके भी बच्चे हैं और इसके शायद तीन बच्चे हैं मुझे लग रहा है, या दो भी हो सकते हैं। तो देखिए आप इसको हटाना पड़ेगा जब भी पता चलेगा। दो बच्चे हैं इसके दोस्तों, अभी निकले हैं इसके, मैं एकदम इसको पकड़ नहीं पाया था, इसने एकदम ब्रीड कर दी और इसके अंडे फर्टाइल ही हो चुके थे। तो कोई बात नहीं, मई में पल जाएंगे ये 15-1 तारीख तक। और दोस्तों देखिए इसमें तीन बच्चे हैं और ये तीनों बच्चे रेड आई के बच्चे हैं और बच्चे भी रेड आईज हैं। देखिए ये बच्चे भी ठीक ही दिख रहा है। और इधर से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इनकी आँखें आपको दिख रही होंगी, लाल आँखें हैं इनकी और इनके माँ बाप भी रेड आईज हैं, इसलिए बच्चे भी रेड आईज हैं। दोस्तों आपने बजीज को देखा और उनके बच्चों को देखा, मटकियों में कैसे हैं बच्चे, ठीक हैं, अच्छे हैं, मुझे तो लग रहा है माशाल्लाह ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। और ये जो मैं मटकियाँ निकालूंगा इसके बाद, जो 2 महीने के बाद जो मटकियाँ लगाऊंगा, तो फिर कॉलोनी का और सुधार कर पाऊंगा और एक सुधरी हुई कॉलोनी आपको दिखेगी दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी एक अच्छा करके बताऊँ ताकि आप भी कुछ अच्छा कर सकें और परिंदों को अच्छे से रख सकें, क्योंकि मैं खुद जब अच्छे से रखूँगा तो तभी आपको भी बता पाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जिन भाइयों ने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।